अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं शुएब खान आपको खुश आमदीद कहता हूँ आप सभी के अपने ही चैनल फ्री एडवाइस टीवी पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग यूट्यूब का चैनल क्रिएट कर सकते हो और उसमें फिर वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो और उसमें वीडियो फिर कैसे अपलोड कर सकते हो वो भी अपने मोबाइल के ज़रिए। दोस्तों काफ़ी बार आपने पहले भी वीडियो देखी होंगी यूट्यूब में जिनमें आपको बताया जाता है कि कैसे आप यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो और वीडियो कैसे अपलोड कर सकते हो, लेकिन वो वीडियो होती हैं कंप्यूटर या लैपटॉप पर बनी हुई जो कि आपने मोबाइल पे सारा काम करना होता है, तो आपको फिर पता नहीं चलता कि कैसे हमें करना चाहिए। तो आज की वीडियो में आपको मोबाइल में बताने वाला हूँ कि कैसे आप YouTube का चैनल क्रिएट कर सकते हो, कैसे उसमें वीडियो अपलोड कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा, दोस्तों सबसे पहले आपको जीमेल का अकाउंट चाहिए होता है जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं, कोई इतना मुश्किल नहीं है, वरना मैं भी आपको बता देता, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको सिर्फ चैनल क्रिएट करने के बारे में बताने वाला हूँ। तो आपके पास अगर जीमेल का अकाउंट क्रिएट हो चुका है तो आप सबसे पहले आ जाइए यूट्यूब में। यूट्यूब में आने के बाद यहाँ पे सबसे ऊपर की तरफ देखें तो यूट्यूब और वीडियो का ऑप्शन है और साथ में सर्च का ऑप्शन है और साथ में एक छोटा सा आइकन आपको नज़र आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपने माई चैनल पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखें माई चैनल पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे पास नाम आ रहा है जो मेरे ईमेल पे नाम है, ये नाम वही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर आप पूरा मोहम्मद लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे फ़िलहाल एम ही रखने वाला हूँ और ये रखने के बाद मैं क्रिएट चैनल पे क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हमारे पास चैनल जो है वो क्रिएट हो चुका है, उसके बाद हम इसकी सेटिंग वगैरह को देख लेते हैं क्या हमें इसकी क्या क्या सेटिंग करनी चाहिए। दोस्तों हमारा जो चैनल है वो क्रिएट हो चुका है, लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो हमें क्रोम ब्राउज़र में जाके ही करनी होगी। तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउज़र को ओपन करता हूँ तो मेरे पास ये वही वाला जो जीमेल का अकाउंट है यहाँ पे भी लॉगिन है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं आ चुका हूँ अपने चैनल पर। तो यहाँ पर मैं चैनल पर तो आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो सेटिंग करने का ऑप्शन नहीं है जो हमें करनी है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे वो सेटिंग यहाँ पे हमें नहीं मिल रही है, तो वो सेटिंग हमें कैसे करनी होगी या हम कैसे उस सेटिंग को कर पाएंगे, उसके लिए हमें जो ब्राउज़र के एक तो यहाँ पे आपको तीन डॉट नज़र आ रहे होंगे जो यूट्यूब के हैं, लेकिन ऊपर की साइड आप देखें यहाँ पे यूट्यूब का यूआरएल है और यहाँ पर टैब बनाने के लिए ऑप्शन है और साथ में तीन डॉट हैं, तो आपने इन पर क्लिक करना है। जैसे आप इन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे नज़र आएगा डेस्कटॉप साइट, आपने इस पर क्लिक करना है। तो अब जहाँ पे आपने क्लिक कर दिया है तो उसके बाद आपने क्या करना है, तो दोस्तों जैसे आप डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देंगे तो आपके सामने बिल्कुल सेम कंप्यूटर के जैसा ही YouTube ओपन हो जाएगा। जैसे आप कंप्यूटर या लैपटॉप पे YouTube को यूज़ करते हैं या आपने कहीं यूज़ करते हुए किसी को देखा होगा, बिल्कुल सेम वैसा ही यहाँ पर यूट्यूब चल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ इस आइकन पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर माई चैनल पर आपने क्लिक करना होगा। जैसे आप माई चैनल पे क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ कस्टमाइज चैनल पे क्लिक कर देना है। तो आपने कस्टमाइज चैनल पे जैसे क्लिक किया यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम, वीडियो, प्लेलिस्ट, चैनल, डिस्कशन, अबाउट वगैरह। तो यहाँ पे आप ऐड सिलेक्शन पे क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमने कुछ ऐड नहीं किया। तो दोस्तों आपकी जो सेटिंग है चैनल की वो बिल्कुल मुकम्मल हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वीडियो कैसे अपलोड करनी है। वीडियो अपलोड करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसके लिए आपको जाना होगा वीडियो मैनेजर में। यहाँ पे ऊपर की साइड पर देखें तो आपको एक वीडियो मैनेजर का ऑप्शन मिल रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब आपने वीडियो मैनेजर पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ नीचे की साइड पर देखें तो चैनल का ऑप्शन आपको मिलता है, चैनल पर आपने क्लिक करना है। अब आपने चैनल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमारे चैनल का नाम आ रहा है और नीचे लिखा हुआ है वेरीफाई, तो आपने इसको वेरीफाई करना होता है। अगर आप अपने चैनल को यहाँ से वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप अपने वीडियो के थंबनेल अपनी मर्ज़ी से नहीं लगा सकेंगे, उसके अलावा आप लंबी लंबी वीडियो भी अपलोड नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हमें वेरीफाई करना ही होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ वेरीफाई पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हमारे पास दो ही ऑप्शन आते हैं कि हमें कॉल के ज़रिए वो कोड सेंड करें या एसएमएस के ज़रिए। यहाँ पे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट करने वाला हूँ और यहाँ पे मैं नंबर दे देता हूँ जिस नंबर पे मुझे टेक्स्ट चाहिए, तो मैं यहाँ पे नंबर दे दिया। मैं सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे मेरे पास एक मैसेज आ चुका है जिसमें हमें कोड दिया गया है।
अब मैंने यहाँ पे कोड टाइप कर दिया, मैं सबमिट पे क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कंटिन्यू का ऑप्शन आ जाता है, मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब यहाँ पे देखिए ये वेरीफाइड हो चुका है। अब इसके बाद हम एडसन इसमें कैसे अप्लाई करना है या एडसन का अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा। फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने वीडियो कैसे अपलोड करनी है। सबसे ऊपर की साइड आप देखें तो आपको आइकन और बेल आइकन और एक अपलोडिंग का आइकन आपको नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ सेलेक्ट फाइल टू अपलोड का ऑप्शन आ जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है और अलाउ पे क्लिक करना है। दोबारा भी आपने अलाउ पे क्लिक करना है तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, तो आपने डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से कोई भी वीडियो चूज़ कर लेनी है। जैसे आप कोई भी वीडियो यहाँ से चूज़ कर लेंगे, उसका नाम यहाँ पे आपने सबसे ऊपर नाम दे देना है, आपकी वीडियो का नाम क्या है, और उसके बाद आपने छोटी मोटी या बड़ी छोटी या बड़ी आपने यहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्क्रिप्शन दे देनी है। आप टैग अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं और टैग वगैरह देने के बाद यहाँ पे देखिए कस्टम थंबनेल का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगर हमने अपने चैनल को वेरीफाई नहीं किया होता नंबर से तो यहाँ पे कस्टम थंबनेल का ऑप्शन हमें नहीं मिलता। उसके अलावा ऐड प्लेलिस्ट वगैरह का भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाता है, वो आगे आने वाली वीडियोज़ में आप समझ जाएँगे या आप किसी और की भी वीडियोज़ देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखें ये वीडियो जो है हमारी अपलोड हो चुकी है और इसकी प्रोसेसिंग जो है वो जारी है, लेकिन ये कॉपीराइट वीडियो है, मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करूँगा। बस मैंने आपको बताने के लिए ही ये सब किया है। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं वीडियो मैनेजर में जाके।